हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करती हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर 8 तक रिवीजन कर लिया था। आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे, ठीक है? अच्छे से तैयारी करना क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए चैप्टर 9 को हम रिवाइज करते हैं, दैट इज एनिमल्स अराउंड अस। वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी बिग लाइक एन एलिफेंट, सम आर वेरी स्मॉल लाइक अ रैट और एन एंट। वी कैन सी एनिमल्स ऑल अराउंड अस, सम ऑफ देम लिव विद अस इन अवर होम्स। कुछ एनिमल्स तो हमारे साथ हमारे होम में ही रहते हैं, लाइक रैट, लिजर्ड, स्पाइडर, कॉकरोच, है ना? वी ऑल्सो कीप सम एनिमल्स एज अवर पैट्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे पैट बनकर रहते हैं, ठीक है ना? पैट मतलब पालतू जानवर होते हैं वो। इन जानवरों को हम अपने पालतू जानवर बना के रखते हैं, ठीक है? तो इन्हें क्या कहते हैं हम? पैट एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। ये सभी एनिमल्स कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वॉटर। कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? वॉटर में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉटर एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट। कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब जंगल में रहते हैं। दीज आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है? जैसे जो वॉटर एनिमल होते हैं, जो वॉटर में रहते हैं उन्हें वॉटर एनिमल्स कहते हैं, जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जंगली, मतलब वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है ना? लाइक जैसे डियर, टाइगर, एलिफेंट, बियर, लायन, ठीक है बच्चों? सम एनिमल्स फ्लाई इन द एयर, दे आर कॉल्ड बर्ड्स। कुछ एनिमल्स हवा में उड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। कुछ एनिमल्स यहाँ पर क्या रहते हैं? वो ट्रीज पर रहते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये हम लर्न कर लेंगे, एक बार चैप्टर रीड कर लेंगे अच्छे से, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, देखिए यहाँ देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। इसी तरीके से आपसे कोई और क्वेश्चन भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड। ओके बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 10, दैट इज प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस। प्लांट्स हमारे आस पास ही बढ़ते हैं, हम अपने आस पास ही प्लांट्स को देखते हैं। वी सी प्लांट्स इन पार्क्स, गार्डन्स, हाउसेस, फील्ड्स, डिजर्ट्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड फॉरेस्ट ऑन हिल्स। तो हम इन अलग अलग जगह पर प्लांट्स को देखते हैं। तो इसी तरीके से हम अलग अलग जगह पर प्लांट्स को देखते हैं, है ना? प्लांट्स इन अ पार्क, प्लांट्स इन अ गार्डन, प्लांट्स इन अ हाउस, प्लांट्स इन द फील्ड, प्लांट्स इन द फॉरेस्ट और प्लांट्स ऑन द हिल्स। देखो सब जगह अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह है, लेकिन सब जगह हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों? प्लांट्स आर और ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। हम सब जगह प्लांट्स को तो देखते हैं, लेकिन सभी जगह प्लांट्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती है अलग और डिफरेंट साइजेस होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। सम प्लांट्स आर बुशी, दे हैव वुडी स्टेम्स एंड मैनी ब्रांचेस, दे आर कॉल्ड श्रब्स। सम प्लांट्स ग्रो लो, दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दे आर कॉल्ड हर्ब। देखो जैसे ये आपने देखे ना हर्ब्स के, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, ब्रिंजल, वीट, लेडीज फिंगर और तुलसी। तो इनकी ग्रीन स्टेम होती है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये ग्रो लो, जो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, है ना? तो इनको हम क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं। श्रब्स के देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए रखे हैं, रोज, जैस्मीन, कैक्टस, ठीक है? इनको हम बोलते हैं बुशी प्लांट्स और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। देखो आप देख रहे होगे ना, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। और जो ट्री होते हैं वो बहुत बिग होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रीज, ठीक है?
सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कुछ प्लांट स्टैंड मतलब सीधे खड़े नहीं हो सकते. दे हैव वीक स्टैम्स, उनकी जो स्टैम्स होती है वो बहुत वीक होती है, कमजोर होती है. दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, उन्हें चढ़ने के लिए सपोर्ट की सहारे की जरूरत होती है. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स. सम वीक स्टेम प्लांट्स ग्रो क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. जो क्रीपर्स होती हैं उनकी भी स्टेम बहुत वीक होती है और वे ओनली ग्राउंड में ही होते हैं, मतलब वो वही की वही रेंग जाते हैं. ठीक है, ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स. देखो इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर बच्चों आपको मैचिंग दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर भी पुट अ टिक ऑन द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द बॉक्सेस. यहाँ पर आपको वर्ड करेक्ट जो मैंने राइट लगा रखे वो आपको बॉक्सेस में फिल करनी है. ठीक है, इसके बाद देखो इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर फिलअप्स दिए हैं. ठीक है, ये आप अच्छे से रीड कर लेंगे. हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि ये कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी का भी नाम देखे, जैसे ग्रेप वाइन है, या मैंने दे दिया पम्पकिन है तो ये क्रीपर्स है, या क्लाइंबर्स में है, या मैंने दे दिया मैंगो है तो ये ट्री है, या श्रब्स है. तो आपको इस तरीके से याद अच्छे से होना चाहिए कि कौन सा किस में आता है. ठीक है बच्चों, तो आपके चैप्टर 10 तक इसमें सेप्टेम्बर एग्जाम में आएंगे, तो आप अच्छे से इनको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेंगे. ओके बच्चों, आज आपका यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट होता है. थैंक यू.